मसीह में आप सबको सलाम मेरे भाइयों, मेरी बहनों। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा अपनी हिफाजत में रखे आप सबको। आज जो हम राग करेंगे ये राग है पीलू। पीलू राग जो है ये काफी ठाट से आता है। तो जाति जो है इसकी औड़ संपूर्ण है। तो ये मैं आज बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ये वाला राग काफी लोगों ने कहा था कि ये वाले राग की हमें समझ नहीं आती है, तो खुदा के फजल से आज अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा न्याज के सुर कौन कौन से इसमें लगते हैं। और न्याज के सुर वो होते हैं जिनमें ज्यादा ठहराव होता है, जिन सुरों पे ज्यादा ठहराव होता है, ठीक है। तो जो इसके गाने का वक्त है वो दिन का तीसरा पहर है, मतलब 3-4 बजे ना गा लो तुम पा। ते वादी सुरे का गा है, संवादी सुर इसका नी है। अरो में रे धा ये वर्जित है, मतलब अरो में जाते हुए हम ये वाले सुर नहीं लेंगे, अरो में आते हुए सातों सुर लगेंगे। हाँ, अभी न्याज के जो सुर हैं वो सा गा पा नी। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं बताने लगा हूं आपको कि इस राग में दोनों गा लगते हैं, दोनों ही धेवत लगते हैं, मतलब धा जो है दोनों लगते हैं और नी जो है ये दोनों लगते हैं। शुद्ध भी लगती है और कोमल भी लगती है। और ये ठाट काफी से आता है राग भी लो। और वो ऐसे है इसका सा गा मा पा नी सा, फिर देख ले सा जाते हुए ये नहीं लगी है, अब रो में आते हुए ये वाली नहीं लगी। से आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेनी ये वाली चीजें जो जो मैं करूंगा। चीजें बताई हैं ये आप जिस जिस तरह इसका अलाप करेंगे, जिस जिस तरह आप इसको याद करेंगे, आपके लिए और ये निखार पैदा करेगा, ठीक है। आप भी इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। नी सा गा नी सा। अभी जिस तरह मैंने बताया था आपको कि इसमें दोनों मतलब गंधार भी लग रहे हैं, गंधार तो अरो में भी अबरो में भी लग रहे हैं, तो दोनों नी भी लग रहे हैं, लेकिन धा का भी मैंने आपको नहीं बताया, धा का भी बता रहा सा नी धा पा।
ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये राग पीलू में जो है काफी मतलब मुश्किल राग है ये, तो ये बड़े तरीके से गाना पड़ता है इसे। अरोम में शुद्ध गंधार, अपरोम में कोमल गंधार, ये कैसे है? ये चलन कितना प्यारा बन रहा है। जिस तरह आप करेंगे इसका चलन जो है खूबसूरती बढ़ती जाएगी। रागों को जब बनाते हैं उस्ताद लोगों ने बनाए थे तो उन्होंने बहुत निचोड़ निकाल के फिर बनाए थे, ठीक है। चंचल सा ये राग है और आप लोग इस राग को अच्छे तरीके से अरोह में अवरोह में करते रहें, तो मेरी दुआ है आप सब से कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें, और मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें कि खुदावंद इसी तरह अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल करें। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबकी हिफाजत करें। आमीन।